नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर परिजनों ने मरणासन्न कर दिया और लहूलुहान प्रेमी को अपने ही घर में छिपा दिया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका के घर से अधमरी अवस्था में बरामद कर अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर उर्फ चौबेपुर गाँव की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसमनपुर उर्फ चौबेपुर गाँव का रहने वाला भीम कुमार गुरुवार को अपनी माँ के साथ गांव के ही एक शादी समारोह में गया हुआ था। परिजनों के मुताबिक शादी समारोह में नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था और भीम नृत्य देखकर देर रात वापस लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने रास्ते में उसे लाठी डंडे और राड से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद लहूलुहान भीम को उठा ले गए। जानकारी के बाद परिजन भी प्रेमिका के दरवाजे पर पहुंचे और घायल भीम को देने की मांग की, लेकिन प्रेमिका के परिजनों का कहना था कि वह उसे अपने घर में नहीं रखे, जिसके बाद भीम के परिजनों ने प्रेमिका के घर की घेराबंदी कर दी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर में तलाशी ली तो एक मेज के नीचे मरणासन्न हालत में भीम बरामद हो गया। पुलिस तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले भी लड़की को लेकर भागा था, लेकिन इस मामले में सुलह समझौता भी हो गया था। कारण सर पहले का था, वो जो दुश्मनी थी लड़के के चक्कर में था। 3 महीने पहले सुलह सपाटी हो गया था। रात को नाच देखने का बारात आई थी गांव में और कुछ इसके खिलाफ़ वाले 3-4 लोग आए, मार दिए, गिर गया, फिर उठा के घर में ले गए, बंद कर दिए। और ये लोग गए, पता चला तो गिड़गिड़ाने लगे, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़े नहीं लोग। अच्छा, ये कौन लोग हैं? लड़की के पिता हैं, भाई नाम, है? नाम जगदीश निषाद, सनाफ गोमती निषाद। उसके लड़के हैं शेरू सनाफ जगदीश निषाद, बीरू सनाफ जगदीश निषाद और किशुन सनाफ जगदीश निषाद। अच्छा, ये लोग आपके गांव के ही रहने? जी, एकदम गांव के हैं। लड़की से कितने सालों से प्रकरण चल रहा है? लड़की प्रकरण 3 महीने तक हम तो पता चला 3 महीने से, और उसके बाद हम लोग सुलह सपाटी करवाए। लड़की को लेकर भागा था या लड़की लड़के को लेकर भागी थी, थाने से सुलह समझौता करवाए थे, फिर मामला शांत हो गया था। किस तरह से इसकी हत्या करी गई? ये बारात आई थी गांव में, नाच देखने गया था, इसकी माँ भी साथ में गई थी। माँ भी साथ में इसको लेके आ रही थी, तब तक वो लोग प्रहार कर दिए, सीधा गिर गया। किस चीज़ से मारे? पहले तो ईंटा से मारे, उसके बाद मुंगरी थी इतनी बड़ी, इतनी मोटी, उससे कई जगह चोट लगी, फट उड़ गया बहुत तगड़ा कपार पर। डेड बॉडी कहाँ रखे थे? डेड बॉडी हम लोग तुरंत बुलाए, वो घर में रखे थे, वो लोग बोले अब सुबह में लाश देंगे आप लोगों को। हम लोग चिरौरी करते इतना ही छोड़ दो, बोले नहीं। तो 100 नंबर गई, 100 नंबर उन लोगों को उठा के लाई। उसके बाद SO साहब को मैं डायरेक्ट फ़ोन किया हूँ, वो आए तुरंत बॉडी निकलवा के ले गए रानीपुर, रानीपुर से सीधा यहाँ पहुँचाए। गिरफ्तारी 2 लोगों की हो गई है, 2 लोग अभी बाकी हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि मृतक प्रेमिका के घर मिलने गया था, जिससे प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की पिटाई कर दी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, प्रेमिका के घर के अंदर से ही प्रेमी को मरणासन्न हालत में बरामद किया गया। इस घटना में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त डंडे को भी बरामद कर लिया गया है। थाना कप्तानगंज क्षेत्र के गाँव में एक युवक का एक युवती के साथ प्रेमप्रसंग चल रहा था। रात्रि में वो उससे मिलने गया था, उसके घर वालों ने उसे देख लिया और उस पर उसके साथ मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद उसे तत्काल, जब पुलिस को सूचना हुई, तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। ये इसमें 5 लोगों को नामजद कराया गया, जिसमें 3 अभी गिरफ्तार कर लिए गए। और जिस डंडे से उसकी पिटाई की थी वो बेसबॉल टाइप का है, वो उसे बरामद किया गया है और मुख्य अभियुक्त सभी गिरफ्तार। छुपाई गई डेड बॉडी को? छुपाई गई, हाँ। उसमें जब जिस समय पुलिस वहाँ पहुँची थी तो उसके घर में डेड बॉडी पाई गई थी। जिस समय पुलिस पहुँची थी तो उसे तत्काल लेके हॉस्पिटल गई और
हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।